हेलो दोस्तों, मेरा नाम है बादल मेहता। आज मैं आप लोगों के लिए नई वीडियो लेके आ चुका हूँ। तो दोस्तों, थंबनेल पे तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि हम आज दोगुन ताल सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, दोगुन ताल सीखने का मतलब यही नहीं कि मैं आपको कुछ दोगुन ताल के पैटर्न बताऊंगा, एक आध पैटर्न, ये नहीं होगा। आज की वीडियो आपकी ऐसी होगी कि आपको कहीं दूसरी वीडियो पर भटकना नहीं पड़ेगा, आपको अलग अलग वीडियोस डाउनलोड नहीं करनी पड़ेंगी। आपको क्या होगा कि केवल एक वीडियो, ये मेरी जो वीडियो है, इसके अंदर आपको उठान मिल जाएगा, जो जेन्युइन उठान होता है, जो हर प्रोग्राम में बजाया जा सकता है। ये नहीं कि इसके प्रकार सीख लो, ये सीखो वो सीखो, बेफालतू की नहीं, जिसके अंदर आपको जेन्युइन उठान मिलेगा, जेन्युइन जो पैटर्न बजते हैं प्रोग्राम्स में, कीर्तन भजन प्रोग्राम, जो अभी हमारी नवरात्रियाँ आने वाली हैं, कल हमारा ये जन्माष्टमी का प्रोग्राम है, उसके लिए अच्छे तरीके के दोगुन ताल, एक दो या तीन पैटर्न आपको बताऊँगा। और पैटर्न को बंद किया कैसे जाता है, जैसे कि हम, जैसे कोई उठान होता है, जैसे हमने दोगुन बजा रहे, ये तो नॉर्मल वाला है, और जो एक और होता है ये इस टाइप के उठान, ये मैं बताने वाला हूं। आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप उठान कहीं और वीडियो दूसरी ढूंढेंगे, बंद कैसे किया जाता है वो ढूंढेंगे, अच्छे अच्छे पैटर्न कहाँ ढूंढेंगे, केवल इस वीडियो को आप देख लीजिए। इस वीडियो के अंदर आप लोग को क्या समझ में आ जाएगा कि कीर्तन भजन में कैसे बजाया जाता है, और ये जो हमारे जो प्रोग्राम्स होते हैं ना, जैसे नवरात्रि के माता रानी के भजन हो गए और ये कृष्ण भगवान के भजन हो गए, उन सभी पे आप बजाना सीख जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, अब इसमें क्या होता है कि जो दोगुन ताल होता है, ये एक ऐसा ताल होता है कि जहाँ पे कीर्तन भजन में माहौल बनाना होता है, तो इस ताल के बिना आपका कोई काम होने वाला नहीं है। और दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये दोगुन ताल तो मैं पहले भी बता भी चुका हूँ, लेकिन नहीं दोस्तों, अब क्या है कि दोस्तों कि अब मैंने मान लीजिए दोगुन ताल बताया, लेकिन मैं आप लोग को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, रिलेट करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब लाइव प्रोग्राम होता है आप लोगों का, है ना, पहली बात तो ये होगी कि आपको एक ही साथ में पैकेज आपको सारा मिल रहा है, आपको कहीं दूसरी वीडियो, अलग अलग वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी बात, अगर आपको मैं सिखाना चाहता हूँ कि अगर ये गाना आ जाए, ये गाना आ जाए, नवरात्रि का प्रोग्राम में सब चीज़ों में अलग अलग टाइप से बजाया जाता है, तो कुछ मैं गुनगुना के बजा के सिखाऊंगा, और कुछ मैं आप लोग को समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर किसी स्लो भजन में कैसे बजाया जाता है, अगर स्लो भजन बज गया तो वहाँ पे दोगुन लगाना पड़ता है, तो वहाँ पे दोगुन लगाना बहुत मुश्किल होता है, तो वो चीज़ मैं आप लोग को समझाने वाला हूँ। तो पहले दोस्तों, मैं आपको एक डेमो दिखा के दिखाता हूँ कि नागिन धुन जो बजता है, मैंने पिछले भी दिखाया और बहुत लोग, आप लोग पसंद करते हैं, इस चीज़ से आप रिलेट कर पाते हैं, इसलिए दोस्तों मैं आप लोग को इस नागिन धुन पे ये दोगुन ताल को एक बार बजा के बताता हूँ, और कुछ कृष्ण भगवान जी के भजन थोड़े कुछ गुनगुना के बता देता हूँ, और नवरात्रि में जो थोड़े बहुत बजते हैं उस टाइप के सिखाते साथ में बताता चलूंगा, ठीक है जी। तो थोड़ा ये नागिन धुन पर दिखाते हैं कैसे बजता है ये। अब बंद करने का दूसरा साइड, ये था, अब बंद करके मैंने ऐसी दिखा दिया आपको, लेकिन एंडिंग का तो थोड़ा गुनगुना कर करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो दो तरीके हैं, देखिए, पहला तरीका, दोस्तों ये बंद करने का तरीका, एक ट्रिक, बहुत अच्छा ट्रिक बताने वाला हूं, बंद करने का तरीका बहुत ही एक यूनिक होता है। इसमें लोग क्या करते हैं कि दोगुन ताल जहां एंड होता है वहीं से आपका बंद करने का फिलर लगाई, नहीं, पता क्या होता है, इसमें दोगुन ताल आधे पे खत्म होता है, फिर उसके बाद ये फिलर जोड़ा जाता है, वो चीज मैं आप लोग को अच्छे से समझाने वाला हूं। और ये अगर आप नहीं समझेंगे तो आपको कम से कम साल भर, डेढ़ साल लोग लगा देते, तब जाके दिमाग में खुद घुसता है, तब समझते हैं लोग। और आज मैं आप लोग को समझा देना, अगर आप समझ जाते हैं तो आपका दोगुन ताल की समस्या, ये एंड करने की समस्या दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम
उठान सीखते हैं दोगुन ताल का। फिर उसके बाद आपको मैंने कुछ पैटर्न सिखाई ये वाले, और कुछ एक नया पैटर्न भी आपको समझाऊंगा जो अभी थोड़े आगे मैं बताता हूँ। सबसे आसान उठान जो सबसे ज्यादा बजता है, क्या बजता है ये देखिए, ये बता भी रखा है मैंने, इसलिए ये वीडियो एक ऐसी है आपकी जिसके अंदर आपको सारा पैकेज आपको मिल जाएगा। दो तीन दोगुन ताल है, एक उठान है और एक एंडिंग फिलर है, दो एंडिंग फिलर है वो आपको मैं समझा देने वाला हूँ। बहुत आसान है, देखिए कैसे बज रहा है, तकिट ता तकिट तकिट गे तकिट तकिट था तकिट तकिट गे। इसमें मैंने था बोला, तकिट था तकिट, था का मतलब ता और क साथ मिलाएंगे तो था, है ना, समझाने के लिए बोल रहा हूँ। अगर किसी को आप सुनाएंगे तो तकिट ता ही बोलिएगा, था नहीं बोलना, है ना, था समझाने के लिए। मैं लिखा हुआ भी दे दूंगा और आप लोग को लिखा हुआ जो मिल रहा होगा वो हिंदी में लिखा हुआ मिल रहा होगा। अब दोस्तों कुछ लोग होते हैं जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आती है, लेकिन जो इंग्लिश वाले लोग हैं, जो इंग्लिश जानते हैं वो हिंदी तो जानते हैं, इसलिए आपको दोनों का फायदा हो जाए। जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी का तो फायदा हो ही रहा है, और जो इंग्लिश समझते हो तो हिंदी जानते ही हैं, है ना जी, तो दोनों का फायदा हो रहा है। तो हिंदी में लिखा है तो इसके लिए कोई वो नहीं है, ठीक है जी। तो ये जल्दी से सीख लेते हैं, तकिट था तकिट तकिट गे तकिट, बहुत ज्यादा आसान फिलर है। बेस की साइड से मैं आपको समझाता हूँ, देखिए कैसे बजा हुआ, तकिट था तकिट तकिट गे तकिट। जल्दी जल्दी समझाऊंगा क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, अगर आपको समझ में ना आए तो वीडियो को स्लो कर लीजिएगा, है ना जी, वीडियो को स्लो का ऑप्शन आता है, ठीक है जी। अब देखिए कैसे बज रहा है, ये थोड़ा सा एक बार बजा के बताता हूँ। देखिए शुरुआत करने के लिए ताता ताता लगा सकते हैं, आठ बार बजाना होता है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, टकिट ता टकिट टकिट गे, फिर से बजा के बताता हूँ। सबसे ज्यादा फिलर बजता है, कोई भी व्यक्ति जब बजाता है, जब हमारा प्रोग्राम चलता है कहीं पे भी, तो इस फिलर के बिना अच्छा लगता ही नहीं। बहुत कई प्रकार के बजाते हैं लेकिन इस फिलर में जितना दम है किसी फिलर में दम नहीं है, है ना जी। अब देखिए कैसा बजा हुआ है, तकिट था तकिट तकिट गे तकिट। अब देखिए सीख लीजिए बहुत आसानी तरीके से, चाटी की साइड से भी आपको बता दूंगा। देखिए ये चाटी की पहली उंगली है और ये नीचे की ती वाली जो बजती है ना, ती बजती है, थपकी बजती है, वो वाली है ना जी। अब देखिए कैसे बजा हुआ है, तकिट था तकिट पहली लाइन, त की ट था त की ट, बस तकिट था तकिट। फिर उसके बाद त की ट गे, खुलाई मार रहा है, त की ट गे त की ट, बस इतना सही चीज है। देखिए कैसे बजा है, तकिट था तकिट तकिट गे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन आपके काम की वीडियो है। देखिए कैसे बज रहा है, त की ट था त की ट नहीं त किट था त किट, फिर उसके बाद त की ट गे त किट। दो तीन बार मैंने समझा दिया, वीडियो को स्लो कर लीजिएगा अगर समझ में ना आया हो तो, और ये चीज तो आप समझ गए। और दोस्तों ये जो फिलर है आपका, जितने भी मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये जो हम अपना जन्माष्टमी का प्रोग्राम हो गया, या फिर जैसे वो हमारे कीर्तन भजन जो होते हैं नवरात्रि में, उन सब प्रोग्राम में ये उठान सबसे ज़्यादा बजाया जाता है। और ये लोग जो कीर्तन भजन वाले लोग होते हैं वो लोग नहीं जानते, ये सब नहीं बजाते, वो सोचते हैं कि ये तो बड़े बड़े प्रोग्राम में ही लोग बजाते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। एक बार जब आप सीख जाएंगे तो आप कीर्तन भजन में भी बजा लेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, है ना जी। देखिए कैसे बजा, अब देखिए जैसे कि कीर्तन भजन में ये वाला गाना बजता है, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि दूसरा फिलर मैंने बता दिया था, ये बता रखा है एक वीडियो में, लिंक दे दूंगा, जो उठान बजाई जाती है वो मैं दे दूंगा आप लोग को, है ना जी। तो एक गाना बताए, गोविंद मेरो है, समझ लीजिए कि आपका जन्माष्टमी के लिए एक गाना का आपको बता देता हूं आपको, इसमें दोगुन और कहरवा दोनों बजा हुआ है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, कहरवा बज गया। और अब आपको अगर पता है कि आपको नचाना है लोगों को, कहरवा ताल की भी वीडियो दे दूंगा, कहरवा ताल कैसे बजाते हैं ये भी सीख लेंगे, लेकिन दोगुन की बात हो रही है तो नचाना है, तो इसी गाने पे आपको दोगुन कैसे लगेगा, बड़ा स्लो गाना है आपको लग रहा होगा ये, पर दोगुन कैसे लगेगा, लेकिन लगेगा इस पर, देखिए कैसे लगता है। देखिए गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो समझाने
आपको बता दिया, इतना स्लो गाना था दोगुन लग गया है ना। तो इतना बात ध्यान रखिएगा कि अगर कोई कहरवा ताल है तो उसमें क्या होता है ना, जैसे अगर बिल्कुल उसको आधी स्पीड पर बजाएंगे तो उसमें दोगुन लग जाएगा, लेकिन वही गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है थोड़ा फास्ट करेंगे तो उसमें दोगुन नहीं लग पाएगा। फिर उसको ना स्पीड को दोनों को मैच करना, जो गाने वालों के थोड़ा नॉलेज होगा और थोड़ा बजाने वाले को भी नॉलेज होगा तो दोगुन मैच कर लेते हैं, लेकिन जिनको नॉलेज नहीं होती तो उसी छोटी सी चीज़ पे अटक जाते हैं, है ना। ये थोड़ी समझने वाली बातें बजाते बजाते समझ में आती है ना। तो दोगुन ताल का मैंने महत्व बताया और ये उठान भी मैंने बजा के बता दिया। अब दोगुन ताल को सीख लेते हैं जो सबसे ज़्यादा बजता है हमारी इंडिया में, इंडिया में बजता ही है और लोग कुछ लोग तो इस टाइप का बजाते हैं, ये भी सिखा दूंगा आप लोग को। लेकिन सबसे ज़्यादा और सबसे भरावट वाला क्या लगता है, सिखा चुका हूं लेकिन एक बार और समझा देता हूं आपको, है ना। और दोगुन ताल को बजाने का दो तरीका होता है, वो तरीका आपको जानना जरूरी है। नीचे लिंक में दे दूंगा आप लोग को, दोगुन ताल बजाना सीखे ऊपर ही होगा आपको, मतलब देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। अब सुनिए देखिए दोगुन ताल बजा कैसे, धा ती ना क घीट, यह है धा ती ना क घीट, धा ती ना क घीट, धा ती ना क घीट, है ना जी। इतना ही, आप देखिए कैसे बजा हुआ है, धा ती ना क घीट, धा ती ना क घीट, बहुत ज्यादा आसान पैटर्न, देखिए कैसे बजा हुआ है, धा ती ना क घीट, घीट इसलिए मैंने बताया कि घिस्सा है वहां पे, है ना जी। फिर से देखिए, धा ती ना क घीट, ओके जी। वीडियो स्लो कर लीजिए आप समझ जाएंगे। और उसके बाद सबसे अच्छी चीज, ये जो दोगुन ताल मैंने आपको बताया, एक और दूसरा पैटर्न देखिए कैसे बजा हुआ है, धी ताती के गिना, धी ताती के गिना, ये वाला पैटर्न है ना जी। अब देखिए कैसे, बहुत ज्यादा आसान पैटर्न है, धी ताती का गिना, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। देखिए लिखा हुआ होगा बोल आपको, देखिए कैसे बताए, धी ताती का गिना, धी ताती का गिना, धी, है ना जी, बहुत आसान पैटर्न। फिर से देखिए, धी ता ती क गीना, है ना जी, ओके जी, बस इतना ही है। और आप लोग को एक बहुत अच्छा सा इसको बंद करने का बताता हूँ, बहुत सबसे आसान वाला एक ही बताता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, दिन तक आपको वीडियो दे दूंगा लिंक में, आपको वो मैंने बना रखी पहले से वीडियो, है ना। अभी देखिए मैंने कैसे उठान इसको कैसे लगाया था, मैंने बंद कैसे किया था, ऐसे, तो जल्दी से इस पैटर्न को हम सीख लेते हैं। तो दोस्तों इस चीज़ को सीखने से पहले आपको दोगुन ताल को अच्छे से समझना जरूरी है। जब तक दोगुन ताल को आप समझे नहीं है थ्योरिटिकली, मतलब कि आप दिमाग से समझ गए वो काफ़ी है, अगर आप ये आपको बजाना नहीं आता लेकिन दिमाग से समझ में आना चाहिए, है ना जी। तो इसमें एक बहुत तगड़ी ट्रिक की बात है, इसमें लोग आपको क्या बताते हैं कि जब ये बंद करवाया जाता है, जैसे कि धा धा धा, ये ऐसे लगाया जाता है, धा ये बजा हुआ है। इसमें अगर ध्यान दिया होगा आपने तो लोग क्या बताते हैं कि ताल खत्म हुआ, धा ती ना के घीट खत्म हुआ और वहां पे ती धा 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 लगाना है, ऐसे नहीं है। ये दोगुन ताल को समझने की बात क्या है, इसमें ध्यान से समझिएगा कि दोगुन ताल जब भी बजता है तो उसका आधा धा ती ना, इतना आधा पकड़ना है, है ना जी। जैसे बजाते बजाते भी यही ध्यान देने वाली बात है, धा ती ना के घीट, धा ती ना, यहीं से लगना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन उसके बीच में इसको जोड़ने के लिए एक चीज लगता है, ता, देखिए धा ती ना ता ती धा धा धा, असली चीज तो है ती धा धा धा, कैसे बजाए देखिए, ती धा धा धा। और ये लगेगा किस कंडीशन में, दोगुन ताल को आधा करना है और उसके बीच में जोड़ने के लिए ता लगाना है और तब जाके ये लगाना है, समझे होंगे, लिख के भी दे दिया है मैंने, धा तीना फिर उसके बाद ता ती धा धा धा, देखिए कैसे, धा तीना ता ती धा धा धा, बजा के बता दो, है ना, ये समझे होंगे, बहुत चीज बहुत आसान चीज है। देखिए फिर से देखिए, दोगुन ताल को आधा करना चाहिए, धा तीना के घिट, धा तीना के घिट, धा तीना धा तीना, फिर उसका क लगाते हैं, क नहीं लगाना है, धा तीना ता ती
धा, बस इतनी सी चीज है। ती धा धा धा, देखिए कैसे बज रहा है, ती थपकी है, फिर उसके बाद धा धा धा, तीन बार धा, बस इतनी सी चीज है। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर लिख के बताइए कि वीडियो कैसी है। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।